आज अपना है लेक्चर नंबर 6। स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग हाइब्रिडाइजेशन। कोई भी लिखेगा नहीं, पहले ध्यान से समझेंगे, फिर जो लिखवाना होगा हम लिखवाते हैं। क्या प्लस माइनस? हाँ, वो कंफ्यूजन वो वाला देखा नहीं। हाइब्रिडाइजेशन देखो, सबसे पहली बात, हाइब्रिडाइजेशन होगा कब? हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन इज मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल की। अभी हम पढ़ रहे थे क्या? अभी हम लोग पढ़ रहे थे एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? पास पास आते हैं, बॉन्ड बनता है, जिसको ऑक्टेट थ्योरी में हम बोल रहे थे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसी को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, वीबीटी में हमने क्या बोला? ओवरलैपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओवरलैपिंग के लिए कंडीशन थी कि दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल प्रॉपरली ओरिएंटेड होने चाहिए, एक इधर जा रहा है एक उधर जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। डायरेक्शन मैटर करती है ना? और कौन कौन सी ओवरलैपिंग थी वो सारा हमने पढ़ लिया था। किससे बनता है सिग्मा, किससे बनता है पाई बॉन्ड, सिग्मा पाई में डिफरेंस बताना भूल गए हैं, लेकिन अगले उसमें बता देंगे। हाइब्रिडाइजेशन में क्या है? हाइब्रिडाइजेशन की बात है, हाइब्रिडाइजेशन होता है मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। मिक्सिंग का क्या मतलब है समझो थोड़ा सा ध्यान से। जैसे मान लीजिए, सपोज मान लो तुम्हारे पास बूंदी के लड्डू खाए हैं सबने, नहीं खाए तो देखे तो होंगे ही, है ना? एक पीली कलर की बूंदी का लड्डू है, एक ग्रीन है, हंसने की बात नहीं, समझो ध्यान से। और एक मान लो अलग अलग कलर डाल दिए गए उसमें, एक थोड़ा सा रेड कलर डाल दिया है जिसने लड्डू बनाया हलवाई ने, एक रेड कलर का लड्डू, ठीक है? अलग अलग कलर के लड्डू है, एक तो पीली बूंदी का है, एक ग्रीन है, एक क्या है रेड है। अब हमें क्या करना है? अब हमको लाना है सबको इक्वल स्टेटस पे, मतलब सबको इक्वल करना है, ठीक? तो बोला गया अभी दोबारा से बूंदी प्रिपेयर नहीं करनी है, अब क्या करना है? ऐसा करना है कि सारा जो है सेम सा हो जाए, तीन लड्डू फिर से बनाओ और सेम हो जाए। अब क्या करेंगे? इसको भी फोड़ देंगे, इसको भी फोड़ देंगे, इसको भी फोड़ देंगे, सारी बूंदी को मिक्स कर लेंगे, है ना? फिर एक नई सी चाशनी हल्की सी तैयार करेंगे और उसमें डाल के फिर तीनों को क्या करेंगे, मिक्स करके लड्डू फिर से बना देंगे। तो अभी क्या होगा? अभी आप ऐसा देखोगे कि लड्डू में रेड बूंदी भी आ जाएगी, ग्रीन भी आ जाएगी, और अपनी क्या होगी, येलो भी आ जाएगी, है ना? अब तीन लड्डू ऐसे ही तैयार हो जाएंगे। पहले तीन लिए थे, आप तीन नए लड्डू तैयार, जिनका स्टेटस क्या हो गया? सेम हो गया। सेम का मतलब रेड और येलो और ग्रीन। अब इतना माइन्यूटली नहीं गिनेंगे कि इसमें 10 बूंदी रेड है और इसमें ग्रीन, इतना तीनों का मिक्सचर बन गया अपने पास, है ना? तो इसको इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको हम बोलेंगे मिक्सिंग ऑफ लड्डू, कह सकते हैं मिक्सिंग ऑफ कलर कर दिया हमने, है ना? अब क्या होता है एटॉमिक ऑर्बिटल में? क्या है हाइब्रिडाइजेशन जो है, ये है प्री बॉन्डिंग प्रोसीजर। बॉन्ड बनने के पहले एटम के अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल की मिक्सिंग होती है। बॉन्ड बनने के पहले का प्रोसेस है, बॉन्ड बनने वाला है, मतलब एटम में एक स्पेशल इवेंट होने वाला है, उसकी तैयारी है ये। जैसे हमारे घर पे कोई गेस्ट आता है तो हम पहले से थोड़ी तैयारी करते हैं कि कैसे क्या उसको खिलाना है, कहाँ बैठाना है, कहाँ उठाना है, क्या करना है, मतलब एक थोड़ी सी तैयारी घर पे होती है। अगर कहीं गंदगी है तो क्लीनिंग वगैरह ये सब चीजें होती है ना। तो ऐसे ही एटम में अगर बॉन्ड फॉर्मेशन होना है तो बॉन्ड फॉर्मेशन से मिलती है स्टेबिलिटी। तो एटम के लिए ये एक बड़ा इवेंट हो गया, और इस इवेंट की तैयारी जो है, जो प्रिपरेशन होगी, जो पहले होगा वो क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन।
और हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, सिंपली हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, दिस इज मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, अब कैसे मिक्स होगा एक एग्जांपल लेके देखते हैं, क्यों मिक्सिंग की जरूरत पड़ी ये देखते हैं। जैसे मान लो CH4 मॉलिक्यूल बनना है, CH4 मॉलिक्यूल को बनना है, तो CH4 मॉलिक्यूल में जब चेक किया गया तो देखा गया सिंगल बॉन्ड बनता है और सारे के सारे बॉन्ड जो होते हैं वो सेम होते हैं, मतलब उनकी एनर्जी भी सेम है, उनकी बॉन्ड लेंथ भी सेम है और चारों बॉन्ड की जो ओवरलैपिंग है वो भी सारी सारी सेम आ रही है ना। तो देखा गया कैसे बना होगा, सोचा गया इसके बारे में कि भाई मान लो जैसे कार्बन है, तो कार्बन का स्टेटस है 1s2 2s2 2p2, ये स्टेटस है ग्राउंड स्टेट में। अब चार बॉन्ड बनाने हैं तो ये ग्राउंड स्टेट है, अब क्या बन जाएगी, एक्साइटेड स्टेट आ जाएगी। 1s2 तो वैसा ही रहेगा, इससे कोई मतलब नहीं, अंदर वाला शेल है, बाहर वाले शेल में चेंज आएगा, 2s1 बनेगा और 2p3 बन जाएगा, इस तरीके से एक एक इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब बॉन्डिंग होनी है, हाइड्रोजन को आना है अपने s ऑर्बिटल को लेके और ओवरलैपिंग होनी है। ये हाइड्रोजन आ रहा है अपने s ऑर्बिटल को लेके, चार हाइड्रोजन आएंगे, चार के साथ ओवरलैपिंग होनी है तो चार हाइड्रोजन आएंगे। अब देखा गया कि यहाँ पे s और s के बीच की ओवरलैपिंग होगी, यहाँ पे s और p के बीच ओवरलैपिंग है, यहाँ पे s और p के बीच ओवरलैपिंग है, यहाँ पे s और p के बीच में ओवरलैपिंग है, तो यहाँ पे तो sp 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 ओवरलैपिंग है, लेकिन यहाँ पे कौन सा ओवरलैपिंग दिख रहा है, s s ओवरलैपिंग दिख रहा है। तो बोला गया कि जो एक बॉन्ड है वो थोड़ा सा अलग होना चाहिए, होगा तो सिंगल बॉन्ड ही, लेकिन उसकी बॉन्ड लेंथ वगैरह, बॉन्ड एनर्जी वगैरह डिफरेंट आनी चाहिए थोड़ी सी। क्यों? क्योंकि ओवरलैपिंग करने वाले ऑर्बिटल अलग अलग हैं, s s है यहाँ पे, यहाँ पे sp था, यहाँ पे sp था, यहाँ पे sp था, तो तीन तो सेम आ गए पर एक जो होना चाहिए वो डिफरेंट आना चाहिए। तो देखा गया एक्सपेरिमेंट से, देखा गया कि चारों सेम आ रहे हैं, तो सोचा गया कि क्या हो सकता है, बॉन्ड बनने के पहले क्या हुआ होगा। तो ये बोला गया कि भाई बॉन्ड बनने के पहले ये जो चार ऑर्बिटल थे, एक s था, तीन p थे, इनकी हुई मिक्सिंग, हाइब्रिडाइजेशन हुआ, चार की मिक्सिंग हुई तो चार नए ऑर्बिटल बने, जिनको हम लोग कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो ऑर्बिटल बनते हैं उनको हम बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। चार नए बन गए इनकी मिक्सिंग से और चारों एनर्जी में भी सेम थे, शेप और साइज में भी सेम थे। जब चार नए बन जाएंगे जो बिल्कुल सेम होंगे, फिर वो एस के साथ ओवरलैपिंग करेंगे तो जो बॉन्ड बनेगा वो बिल्कुल क्या बनेगा, चारों का चारों सिमिलर बनेगा। तो इसकी बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ को देखते हुए सोचा गया, एक वैसे बोलो तो ये एक हाइपोथेटिकल फिनोमिनन है, मतलब सोचा गया है कि ऐसा हुआ होगा। तो ये सोचा गया कि चारों बॉन्ड अगर सेम है, इसका मतलब मिक्स होने, ये जो ओवरलैपिंग हो रही है वो सेम ऑर्बिटल के बीच में हो रही है, लेकिन देखा गया यहाँ एस एस था, यहाँ एस पी था, एस पी था, एस पी था, तो बोला गया तीन सेम हो सकता है, एक अलग होना चाहिए था, पर अगर सब सेम है तो बॉन्डिंग होने के पहले क्या हुआ है, कुछ ना कुछ तैयारी तो हुई है। वो तैयारी क्या है, वो तैयारी है मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल, जिसको हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। अब हुआ क्या, ध्यान से देखो, यहां पे s में एक इलेक्ट्रॉन था, 2p में तीन इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे क्या हुआ, s का एक ऑर्बिटल और 2p के कितने ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल, इसका एक ऑर्बिटल और 2p के 3 ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइजेशन करते हैं,
मिक्सिंग करते हैं, एक ये है, तीन ये है, तो मिक्स होकर के उतने ही नए बनते हैं जितने मिक्सिंग में जाते हैं, तो क्या बनेंगे, चार नए ऑर्बिटल बनेंगे जिनको नाम क्या देंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल। और ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, इनकी स्पेशलिटी क्या होगी, इनकी स्पेशलिटी ये होगी कि ये सेम इन एनर्जी, सेम इन शेप एंड साइज, साइज शेप सब सेम होगा। हाइब्रिड ऑर्बिटल को डिनोट करने का तरीका होता है, एक लोब बड़ा बनाते हैं इसमें, एक छोटू सा लोब बनाते हैं, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इसको पॉजिटिव बोलते हैं, इस पार्ट को नेगेटिव बोलते हैं। तो एक एस और तीन पी मिलकर के नए चार ऐसे ऑर्बिटल बना रहे। हाइब्रिडाइजेशन का नाम कैसे देते हैं, अगर एक एस और तीन पी मिल रहे हैं तो नाम होता है sp3, अगर किसी केस में एक एस और दो पी मिलेंगे तो नाम होगा sp2, अगर एक एस और एक पी मिलेगा तो नाम होगा sp, अगर एक एस तीन पी और एक डी मिलेंगे तो नाम होगा sp3d, है ना। और जितने ऑर्बिटल की मिक्सिंग होगी उतने ही नए ऑर्बिटल बनते हैं। ये पहला केस है जिसमें हमने एक एस और तीन पी की मिक्सिंग की, तो नाम क्या दे देंगे इन चारों ऑर्बिटल्स को, नाम क्या देंगे, sp3 ऑर्बिटल। और हाइब्रिडाइजेशन का नाम क्या होगा, sp3। अब आप बोलोगे ये चार के चार ऑर्बिटल क्या ऐसे पड़े रहते हैं, नहीं, ये जो चार ऑर्बिटल हैं ये एक स्पेसिफिक ज्योमेट्री में, एक स्पेसिफिक शेप में अरेन्ज होते हैं। जैसे sp3 की केस की बात करें, CH4 के केस की बात करें, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो अरेंज होते हैं इन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। कैसी ज्योमेट्री ले लेते हैं, ये टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जानते हैं, छोटू लोब भी बना देंगे इधर, इसका छोटा लोब इधर, इसका छोटा लोब इधर, इसका छोटा लोब इधर, इसका छोटा लोब इधर, है ना। ये ज्योमेट्री कौन सी हो गई, ये सारे के सारे sp3 हैं। सारे के सारे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। सबका, सब ऑर्बिटल का शेप तो सेम है, लेकिन सब अरेंज होते हैं किस तरीके से, टेट्राहेड्रल मैनर में ये चारों अरेंज हो जाते हैं। यहाँ पे एक ऑर्बिटल और दूसरे ऑर्बिटल के बीच का जो एंगल होता है, बॉन्ड एंगल, वो बनता है 109 डिग्री 28 मिनट, ये बॉन्ड एंगल आता है। जितने भी ऑर्बिटल हैं, दो जिसके बीच का भी एंगल देखोगे 109 डिग्री 28 मिनट ही आएगा। तो ये किसका स्ट्रक्चर बना हमारा, ये कार्बन का बना, जो शो कर रहा है क्या, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अभी ये CH4 का नहीं है, अभी ये किसका स्ट्रक्चर बना है, कार्बन का। ये तैयारी हो गई CH4 बनने के पहले की, चारों एटॉमिक ऑर्बिटल इस तरीके से अरेंज हो गए। यहां तक बात क्लियर है या नहीं है, कोई दिक्कत है तो बोलिए। अब CH4 कैसे बनेगा, इसके साथ एक एच का आएगा एस, इसके साथ आएगा, इसके साथ आएगा, इसके साथ आएगा, और स्ट्रक्चर कुछ CH4 का।
CH4 का स्ट्रक्चर इस तरीके से ओवरलैपिंग दिखाएंगे। हाइड्रोजन का तो 1s ही होता है ना, किसका है ये, किसका स्ट्रक्चर है, कार्बन। ये कौन से ऑर्बिटल थे कार्बन के, sp3 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 sp3। यानी कि अगर ध्यान से देखो तो ओवरलैपिंग किसके किसके बीच में हुई, sp3 और s के बीच में। जो लोग क्लास में ध्यान नहीं देते उनके ऊपर ध्यान बिल्कुल नहीं देना है, मैं भी नहीं देती हूँ, क्योंकि उससे क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन होता है। जो ध्यान नहीं देंगे वो अपना नुकसान करेंगे, तो जो ध्यान दे रहे हैं वो उनके ऊपर ध्यान ना दें। ये किसका कौन सा मॉलिक्यूल है, CH। बात कुछ समझ आई, बीच में जो कार्बन है इसमें सब सेम है, कार्बन कहाँ है बीच में। ये कार्बन के सारे एटॉमिक, और चार पेन दीजिए, ये देखो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इस तरीके की होती है। दो बॉन्ड एक ही प्लेन में होंगे, एक ही प्लेन का मतलब है एक प्लेन हो गया, दो बॉन्ड एक ही प्लेन में, ठीक। एक बॉन्ड होगा प्लेन के आगे की तरफ, एक बॉन्ड होगा प्लेन के पीछे के, ऐसी कुछ ज्योमेट्री होती है। दो बॉन्ड एक प्लेन में, एक बाहर की तरफ और एक पीछे की तरफ, क्लियर है बात। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हमेशा ध्यान रखेंगे, दो बॉन्ड एक प्लेन में, एक बॉन्ड प्लेन के बाहर की तरफ। अगर दो बॉन्ड समझो इस बोर्ड के प्लेन में है तो एक बाहर की तरफ एक पीछे की तरफ, हाँ सब में एक 109 डिग्री 20। इसको दिखाने का एक और तरीका है, जो बात अभी मैंने समझाई CH4 को ऐसे भी दिखा सकते हैं, ध्यान से देखिए। दो बॉन्ड एक प्लेन में दिखा दें, जो प्लेन में है उनको ऐसे बॉन्ड से दिखा दें, और ये जो इसको बोलते हैं सॉलिड लाइन, इसको कहते हैं सॉलिड लाइन। ये जो बॉन्ड हमने दिखाया है क्या बोलते हैं इसको, सॉलिड, सॉलिड लाइन से जो बॉन्ड दिखाया जाता है वो प्लेन के बाहर की तरफ है। CH4 मॉलिक्यूल में अगर दो बॉन्ड इस बोर्ड के प्लेन में है तो एक बॉन्ड बाहर की तरफ होगा और एक बॉन्ड पीछे की तरफ होगा। जो सॉलिड लाइन से दिखाया जाता है वो बॉन्ड बाहर की तरफ माना जाता है, और इसको हम लोग बोलते हैं डैश लाइन। डैश से दिखाया है, इसको हम लोग बोलते हैं इनवर्ड। बात समझ में आई कुछ, चलिए अब हाइब्रिडाइजेशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे पहले, आफ्टर दैट फिर sp3 स्टार्ट करेंगे। ये कार्बन के ही तो ऑर्बिटल है, ये कार्बन के ही चार ऑर्बिटल है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये चार हाइड्रोजन है, सेट नहीं हो रहा, ये कार्बन के ही ऑर्बिटल है। पीछो बीच में क्या है, ये कार्बन के तो ऑर्बिटल है तो बीच ही में तो है, इधर उधर कहाँ है, सेंटर एटम कार्बन है। हाइब्रिडाइजेशन हेडिंग डाली, चलिए हाइब्रिडाइजेशन में पहला पॉइंट लिख लीजिए, इट इज प्री बॉन्डिंग प्रोसीजर, इट इज प्री बॉन्डिंग प्रोसीजर।
इट इज प्री बॉन्डिंग प्रोसीजर। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, सेकंड पॉइंट लिखिए इसमें। इन हाइब्रिडाइजेशन न्यू ऑर्बिटल्स फॉर्म आर कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल न्यू ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड आर कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेटिंग इन हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिड ऑर्बिटल उतने ही बनेंगे जितने पार्टिसिपेट करेंगे। इन हाइब्रिडाइजेशन मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल टेक्स प्लेस एंड न्यू ऑर्बिटल्स हैव सेम एनर्जी सेम शेप एंड सेम साइज। तीनों पॉइंट हो गए। फोर्थ पॉइंट में लिखिए, हो गए तीनों। फोर्थ पॉइंट में लिखिए, दीज ऑर्बिटल्स अरेंज themselves in a proper geometry, like in sp3 tetrahedral अलग अलग में अलग अलग पढ़ेंगे। बुक से भी देख लेते हैं कोई पॉइंट छूट ना गया। कितने गया? प्री बॉन्डिंग तो लिखाई दिया, इट इज अ हाइपोथेटिकल फिनोमेना। ये तो शुरू में ही लिखना था, जहां प्री बॉन्डिंग लिखा वहीं लिख लीजिए, इट इज अ हाइपोथेटिकल फिनोमेना। सोचा गया कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा होता होगा, इट इज अ हाइपोथेटिकल फिनोमेनन। हाइपोथेटिकल वाला पॉइंट लिख लिया।
अगला पॉइंट लिखे, जो एटॉमिक ऑर्बिटल जो हाइब्रिडाइजेशन में जाते हैं उनकी एनर्जी लगभग सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी की एनर्जी 5 किलो जूल है और किसी एटॉमिक ऑर्बिटल की खुद की एनर्जी 100 किलो जूल है, तो वो दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड करेंगे और हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। नहीं, एनर्जी भी क्या होनी चाहिए, लगभग लगभग सेम सी होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे एक ही शेल के दो ऑर्बिटल थे, 2s 2p, उनके बीच में हो गया, तो लगभग सी एनर्जी सेम सी होगी, है ना। तो इस पॉइंट को लिखेंगे ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेटिंग इन हाइब्रिडाइजेशन हैव सिमिलर एनर्जी। सिमिलर सी एनर्जी होनी चाहिए, सेम भी होगी तो चलेगी, सिमिलर सी एनर्जी होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाइब्रिड ऑर्बिटल ओनली फॉर्म्स सिग्मा बॉन्ड जब, और हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएगा तो ये केवल सिग्मा बॉन्ड ही बनाता है, नॉट पाई बॉन्ड। हाइब्रिड ऑर्बिटल कभी भी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में नहीं जाएगा। जो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में नहीं जाता है उसको प्योर ऑर्बिटल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्योर। जैसे मान लो एस और पी पहले थे, जब हाइब्रिडाइजेशन नहीं किए थे तो उनको हम कह सकते हैं प्योर ऑर्बिटल। मान लीजिए किसी केस में ऐसा हो कि एक एस और एक पी मिल रहा हो और दो पी में सिंगल इलेक्ट्रॉन वैसे ही पड़े हुए हो, एक एस एक पी मिल रहा हो, दो नए sp ऑर्बिटल बन रहे हो और दो पी वैसे ही पड़े हुए हो, तो जो ऑर्बिटल उसमें हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे उनको प्योर बोलते हैं। और हाइब्रिड वर्ड अगर बायो में कहीं आपने पढ़ा हो तो हाइब्रिड का मतलब होता है मिक्सड, है ना। तो ये इम्प्योर फॉर्म है या मिक्सड फॉर्म है, मिक्सिंग से बना भी है, और जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा एटॉमिक ऑर्बिटल उसको क्या बोलते हैं? प्योर ऑर्बिटल। तो जो पाई बॉन्ड बनता है वो हमेशा प्योर ऑर्बिटल से बनता है, और सिग्मा बॉन्ड प्योर से भी बन सकता है और हाइब्रिड से भी बन सकता है। इसीलिए यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल नेवर पार्टिसिपेट इन पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, ओनली सिग्मा बॉन्ड बनेगा इनसे, पाई बॉन्ड नहीं बने। क्लियर है पॉइंट? पॉइंट नंबर 7 हो गया ना, पॉइंट नंबर 8, एक दो और होंगे शायद। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर मोर इफेक्टिव, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर मोर इफेक्टिव इन स्टेबल बॉन्ड फॉर्मेशन देन प्योर ऑर्बिटल। प्योर के कंपैरिजन में इनके थ्रू जो बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा? ज्यादा स्टेबल होगा। देन प्योर ऑर्बिटल। दे अटेन अ प्रॉपर ज्योमेट्री
फॉर मिनिमम रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स। ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो जो भी ज्योमेट्री अटेंड करता है कोई हाइब्रिडाइजेशन वाला हाइब्रिड ऑर्बिटल, वो इसलिए करता है ताकि इलेक्ट्रॉन्स के बीच में मिनिमम रिपल्शन हो, इलेक्ट्रॉन ज्यादा दूर दूर हो, है ना। जैसे दो लोगों की लड़ाई हो रही है तो बोल दिया जाता है तुम इधर बैठो तुम उधर बैठो चलो, है ना। तो इस तरीके से ऑर्बिटल्स अरेंज होते हैं किसी भी हाइब्रिडाइजेशन में कि जो उनमें इलेक्ट्रॉन्स है उनके बीच में रिपल्शन क्या हो, मिनिमम हो, ऐसी ज्योमेट्री बनाते हैं। अब हम लोग एक एक करके सारे हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे, जिसमें से हमने पहली बात किसकी करी थी, किसकी करी थी, CH4 मॉलिक्यूल की थी, और हमने हाइब्रिडाइजेशन का नाम लिख दीजिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहले हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं, sp। अब ये स्लाइड्स नोट कर लीजिए आप जो समझाई थी ना पहले प्रोसेस, एक एक स्लाइड नोट करिए। पूरे हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा लेंगे, फिर आपको ये भी सिखा देंगे कोई मॉलिक्यूल आएगा तो उसमें कैसे हम लोग पता लगाएं क्या है हाइब्रिडाइजेशन, उसके भी कई सारे तरीके हैं, दो तरीके सिखा देंगे। स्लाइड हो जाए तो बोल दीजिएगा। ये पहले की हिस्ट्री है कि चारों बॉन्ड क्या है, सेम है, उसको दिखाने की कोशिश की गई है कि सेम होंगे कैसे। तो सेम होने के लिए पहले होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये सर्कल सर्कल स्फेयर जो बनाया है ये 1s है हाइड्रोजन का नीचे। सर्कल ना समझे क्या है, स्फेयर है। ये वाली स्लाइड हो गई, अगली पे आ जाइए। 1s, 3p, 4 नए ऑर्बिटल, नाम क्या है, sp, चारों को नाम देंगे sp3 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 sp3, चार भाई बन गए sp3 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 sp3। बात दिमाग में आ रही है, sp3 समझ आ रहा है, ऑनलाइन ऑनलाइन में आवाज आ रही है, अक्षिता प्रीतिका अक्षिता तुम्हारा माइक कहाँ है, एक समझ आ जाएगा तो सब आ जाएंगे, एक नहीं आया तो डब्बा गोल।
हो गया। अरेंजमेंट बनाइए, बॉन्ड एंगल लिखिए sp3 में, ज्योमेट्री लिखिए, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, ज्योमेट्री बनाइए। बोलिए बोलिए, कुछ कहना चाहते हो? यहाँ पे ये जो नीचे वाला ऑर्बिटल है ना, इसको देख रहे हैं, ये थोड़ा सा हमने छोटा बना रखा है। छोटे का मतलब ये नहीं कि ये कहीं से छोटा है, बराबर सब ऑर्बिटल इक्वल है, लेकिन जब आप फ्रंट से देखते हो, इधर से मान लो हम देख रहे हैं, जो जो दूर वाला होगा वो थोड़ा छोटा विजिबल होगा। 3D में देखते हैं इसको, तो दूर वाला, पीछे वाला जो है, बैक साइड वाला, वो थोड़ा छोटा दिखेगा, इसलिए इसको थोड़ा छोटा बनाया जाता है। छोटा नहीं, बन गया ये वाला टीडी। टेट्राहेड्रल को शॉर्ट में लिखते टीडी, CH4 बनाइए, सॉलिड वेज बनाइए, सॉलिड एंड वेज। गौरांगी बन गया, मानसी, बना लिया? किसी की कॉपी से बनाइए, पीछे वाला रह गया। रुकना नहीं है, हाथ चलते रहना चाहिए, हाथ और दिमाग। डैश लाइन, वेज लाइन थोड़ी अच्छी नहीं बनी है, जैसा वेज बॉन्ड है वैसा ही बनाएगा वेज लाइन। लग रहा कोई पत्थर रखा हो, क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? कार्बन है, कार्बन लिख दो, सी से कंफ्यूज हो रहे हो तो कार्बन लिख लो। इसका मतलब कि S और PX, PY, PZ तीनों, चारों मिल गए और नए चार ऑर्बिटल बना लिए sp3, और फिर उन चारों ने चार हाइड्रोजन के S ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैपिंग की एक एक करके, और मॉलिक्यूल क्या बन गया? CH4।
हो गया। चलो सेकेंड वाले पे आते हैं, ये एसपी थ्री की बात हो गई, अब किसकी बात कर रहे हैं, एसपी टू हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे हैं। एसपी टू में क्या होगा, एक एस का मिलेगा और टू क्या होंगे, पी ऑर्बिटल्स मिल जाएंगे। इनकी हो जाएगी मिक्सिंग और क्या बन जाएंगे, थ्री न्यू ऑर्बिटल, जिनको नाम क्या दोगे, हाइब्रिड, और वैसे नाम क्या दोगे उसको, sp2। तीन की मिक्सिंग से बने तीन नए ऑर्बिटल बने, तीनों का नाम क्या है, sp2। अब ये तीन कैसे अरेंज होंगे, ये तीन अरेंज होते हैं ज्योमेट्री, वहां पे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री पे थे, यहाँ पे होते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। कौन सी ज्योमेट्री होती है, ट्राइगोनल प्लेन, ट्राइगोनल प्लेनर कौन सी ज्योमेट्री होगी, एक ही प्लेन में तीन, इस तरीके से देख पा रहे हैं सब लोग, एक ही प्लेन में तीन होंगे, 120 120 120, तीनों बॉन्ड एक ही प्लेन में है। sp3 में दो बॉन्ड एक प्लेन में, एक बाहर की तरफ एक पीछे की तरफ। sp2 में तीन बॉन्ड होंगे, तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे लगेंगे एक दूसरे के साथ। प्लेनर क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक ही प्लेन में होते हैं। ट्राइगोनल क्यों बोलते हैं, क्योंकि तीनों को अगर इस तरीके से ज्वाइन करो तो ट्राइंगल बन जाएगा, इसलिए नाम देते हैं ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। और यहाँ पे सब जितने दो बॉन्ड होंगे सबके बीच का एंगल कितना होगा, 120 डिग्री। ज्योमेट्री कौन सी है, ट्राइगोनल प्लेनर, ऐसे भी दिखा सकते हैं। बॉन्ड एंगल कितना है, 120 डिग्री। डायग्राम बना दें इसका, एग्जाम्पल लेके डायग्राम बनाते, बॉन्ड एंगल लिख लो, ज्योमेट्री लिख लो। ट्राइगोनल प्लेनर का मतलब समझ गया, एक प्लेन में तीन बॉन्ड, 120 120 एंगल पे, तीनों एंगल कितने होंगे, 120 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
वन एस टू, टू एस टू, टू पी, बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन, अनुज वन एस टू टू एस टू, कितने एटॉमिक नंबर कितना होता है बोरॉन? अरेंज क्या बनेगा कॉन्फ़िगरेशन? 2p. अनुज ध्यान कहाँ है? क्लास में ध्यान नहीं है आपका? लास्ट वार्निंग है आपके लिए. 1s2, 2s2, 2p, 1. बोरॉन सेंट्रल सेंट्रल मेटल है. तीन फ्लोरीन के एटॉमिक ऑर्बिटल आने वाले हैं, है ना? तीन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ना है.
मॉलिक्यूल का अगर वैसे स्ट्रक्चर देखें तो हमें पता चल गया स्ट्रक्चर ये है BF3 का, तो तीन सिंगल बॉन्ड बनाने हैं। तो यहां पे अगर देखो तो स्टेटस क्या दिखाई दे रहा है, ये स्टेटस है ना, ये कौन सी स्टेट है, ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट में ले जाइए। तीन सिंगल इलेक्ट्रॉन हो गए, ये 2s है और ये क्या है 2p, ठीक है। हम मिक्सिंग करा दी जाए, ये s और ये 2p की मिक्सिंग हो जाएगी, ये खाली पड़ा रहेगा, एम्प्टी ऑर्बिटल पड़ा, तो इनकी मिक्सिंग होगी अगर इन दोनों की मिक्सिंग हो जाएगी तो तीन नए हाइब्रिड जिनका नाम होगा sp2 बन जाएंगे, है ना। कैसे अरेंज होंगे, तीनों के तीनों की ज्योमेट्री पे अरेंज हो जाएंगे, बोरॉन वाले ट्राइगोनल प्लेनर्स। ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री पे अरेंज हो गए sp2 sp2। इसमें वो वाला नहीं दिखाया जो खाली वाला है, एक पी ऑर्बिटल खाली पड़ा हुआ है ना प्योर, स्ट्रक्चर बनाते समय उसको भूल ही जाते हैं। अब BF3 बनना है तो फ्लोरीन, अच्छा हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल मेटल पे होता है ना, साइड पे नहीं होता। तो तीन फ्लोरीन आएंगे, फ्लोरीन का स्टेटस कुछ ऐसा होगा, ये स्लाइड नोट हो गई, नोट कर लीजिए। तो BF3 पूरा बना लिया जाए, ये बोरॉन है, ये 120 एंगल है, हो गया। फ्लोरीन का क्या स्टेटस है, 1s2 2s2 2p5। ये सिंगल वाला जो है ये चला जाएगा बॉन्ड फॉर्मेशन में, ये वाला जाएगा जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है। बोरॉन का कैसा था, बोरॉन का ऐसा था sp2 sp2 sp2। तीन फ्लोरीन के आने हैं, एक फ्लोरीन का पी, दूसरे का पी, तीसरे का पी आएगा और ओवरलैपिंग हो जाएगी, कैसे, हेड ऑन। किसका स्ट्रक्चर बन गया, BF3। वो बोरॉन का स्ट्रक्चर था, इसमें फ्लोरीन की ओवरलैपिंग भी दिखा दी, तो BF3 का स्ट्रक्चर। लोब अगर दिखाना चाहें तो ये बड़ा लोब है, बड़े लोब को पॉजिटिव बोला था ना हमने, अगर पॉजिटिव नेगेटिव भी शो, बॉन्डिंग हो रही तो पॉजिटिव से पॉजिटिव मिलेगा।
कोई समस्या? ओवर रैपिंग हो रही है ना? तो वो तो पॉजिटिव से नेगेटिव कराए थे, तो वो तो नेगेटिव ओवरलैप बोल दिया था ना, क्योंकि बॉन्ड बन रहा है। हमें पता है कि मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, बॉन्ड बनता है। सॉरी सॉरी, नेगेटिव वाले में कहाँ सिखाया था? नेगेटिव ओवरलैप और पॉजिटिव ओवरलैप कहाँ बताया था? कल बताया था ना। देखिए, नेगेटिव में बॉन्ड नहीं बनता है, जीरो में बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता। इसमें बॉन्ड नहीं बन पाता है प्रॉपर, इसमें भी बॉन्ड नहीं बन पाता है, बॉन्ड फॉर्मेशन केवल इसमें होगा। इसीलिए हमें पता है कि अगर बॉन्ड बन रहा है तो मतलब क्या हो रही है, कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है? पॉजिटिव। और क्योंकि मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा है तो कौन सी ओवरलैपिंग हुई है? पॉजिटिव। बना लिया sp3 और sp2। अभी हम लोग वो केसेस कर रहे हैं जो बिल्कुल रेगुलर ज्योमेट्री पे चल रहे हैं। इसमें भी अभी डिस्टॉर्शन की बात होगी, डिस्टॉर्शन की बात करेंगे तो एक नई थ्योरी इसमें इंट्रोड्यूस हो जाएगी, जो शुरू शुरू में एनसीईआरटी में दे रखी है, VSEPR थ्योरी। तो पहले हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लेते हैं, आफ्टर दैट हम लोग VSEPR पे आएंगे। इसीलिए पहले सिंपल सिंपल एग्जांपल ले रहे। sp3 हो गया, sp2 हो गया, आप सीखेंगे कौन सी? sp। चलिए, sp हाइब्रिडाइजेशन। एक s और एक p की क्या हो जाएगी? मिक्सिंग होगी, और क्या बनेंगे? दो नए, वही लाइन लिखनी है, सीधे सीधे नंबर चेंज हो रहा है बस। दो नए ऑर्बिटल बनेंगे जिनको नाम क्या देंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल। और वैसे स्पेशल नाम क्या होगा इनका? sp। एक s एक p मिलेगा तो कितने नए ऑर्बिटल बनेंगे? दो। दोनों का नाम क्या है? sp। ये दोनों जो ऑर्बिटल होते हैं, ज्योमेट्री तो क्या ही कहेंगे, ज्योमेट्री नहीं कहेंगे लेकिन कह देते हैं, लीनियर दिखाते हैं। लीनियर का मतलब एक दूसरे से इस तरीके से अरेंज होते हैं। एक दूसरे से 180 डिग्री के एंगल पे अरेंज होता है। ज्योमेट्री को बोलते हैं लीनियर। बॉन्ड एंगल कितना है? 180। एसपी में 180। sp3 था, p के तीन थे, sp3 था तो एंगल कितना था? 109। sp2 हुआ तो एंगल कितना बढ़ा? P कम हो रहा है और एंगल क्या हो रहा है? बढ़ रहा है 120। और SP हो गया तो बॉन्ड एंगल कितना हो गया? 180। पहले वाले की ज्योमेट्री थी, ये सब धीरे धीरे डेटा याद करेंगे तब याद होगा। पहले की ज्योमेट्री थी टेट्राहेड्रल, दूसरे की ज्योमेट्री बोला था ट्राइगोनल प्लेनर, और तीसरी ज्योमेट्री है लीनियर। ठीक है, सबसे सिंपल यही है। 2 मॉलिक्यूल में होता है, बनाने की कोशिश करते हैं, बेरिलियम और सीएल। अब थोड़ा फास्ट बनाएंगे। दीवा बोर्ड पे देखिए, 1s2, 2s2, 2p, p में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। 2p होगा लेकिन p में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। कौन सी स्टेट है?
BCl2 बनाना है हम चाहते हैं, तो दो Cl की ओवरलैपिंग होनी है, तो दो ऑर्बिटल चाहिए। एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ p में आ गया, ये 2s था, ये कौन सा था 2। अब मिक्सिंग हो जाएगी इसकी और इसकी, मिक्सिंग हो रही है इन दोनों की। एक ये मिक्स हो रहा है, ठीक है, मिक्सिंग होके दो नए ऑर्बिटल। बेरिलियम के बन गए, इसको भी sp, कोई समस्या? बेरिलियम तैयार हो गया, बॉन्ड बनने के पहले की तैयारी हो गई। Cl में क्या स्टेटस है, Cl को देखिए, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, 3p5, 17 होते हैं ना, 3p5, तो 3p5 है इसमें, p में 5 इलेक्ट्रॉन है। एक ये जो अनपेयर्ड वाला है, ये करेगा क्या, शेयरिंग करेगा इसके साथ, ये बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। तो BCl2 का मॉलिक्यूल कैसा बनेगा, बना देते हैं। ये तो B है, sp sp, और यहां पे कौन आ जाएगा, बोर्ड मेरे पास इतना ही है, सीएल के लोग बड़े बनाएंगे, क्योंकि सीएल का 3p है और इनका कौन सा था 2p था, तो सीएल के लोग थोड़े बड़े बना देंगे। मेरे पास इतना ही है तो हम इतना ही बना रहे। ये 3p है किसका, क्लोरीन का। ये sp है किसके, बेरिलियम। ये बन गया BCl2, कोई समस्या, बना लीजिए। सिंपल है, अब तो आप एकदम मास्टर हो जाएंगे। डिफिकल्ट लग रहा है क्या, एक दो बार करेंगे तो आदत पड़ जाए, फिर यूज्ड टू हो जाए। बार बार ऑर्बिटल डायग्राम थोड़ी बनाना है, मॉलिक्यूल में निकालना है कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, क्या ज्योमेट्री है, क्या इन जनरली तो नहीं बोलते, पर आना तो चाहिए, कभी कभी पेपर वेपर में बना के ही दे देते हैं, आजकल टीचर्स उस्ताद हो गए, पूरा बना के ही दे देते हैं, पहचानो कौन सा किसका, थोड़ी थोड़ी गलती कर देंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव को मिला दिया, बोले BCl2 मॉलिक्यूल है, तो आपको जब तक हाइब्रिडाइजेशन की फाइन फाइन डिटेल्स नहीं मालूम होगी तब तक ऐसा कोई क्वेश्चन आप सही करने के चांसेस कम। यहां तक बात सबको समझ आ गई है, सबने नोट कर लिया, sp3, sp2 और sp अरेंज खड़े होंगे, अब बताएंगे sp3 में कौन सी ज्योमेट्री थी, एंगल कितना था, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, एंगल 109, और sp2 में ट्राइगोनल प्लेनर बॉन्ड एंगल 120, और sp में 180 बॉन्ड एंगल, और ज्योमेट्री कौन सी हो गई, गुड, सीख रहे हैं आप, बैठ जाइए, तेज तो है आप, मुझे पता है आप लोग, ऐसी बात नहीं है।
बुद्धू नहीं है। SP3D छे पढ़ने हैं ना और क्या। छे आज नहीं पढ़ेंगे, अभी तो पार्टी शुरू हुई। चलो SP3D। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, एक एस होगा, तीन पी के होंगे और एक डी का होगा। पांच मिल रहे हैं ना, तो पांच नए बन जाएंगे। और पांच के पांच जो नए बनेंगे उनका नामकरण क्या किया जाएगा, उनका नाम क्या होगा पांचों का। SP3D, पांच SP3D भाई बन गए। अब कैसे अरेंज होंगे देखिए ध्यान से। ज्योमेट्री क्या होगी, किस ज्योमेट्री पे इनको अरेंज होना चाहिए। इनकी ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल। ट्राइगोनल तो समझ ही रहे हैं, बाई पिरामिडल। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल कौन क्लियर दिख रहा है क्या। बाई पिरामिडल लिख लो। अरे ऐसे करोगे तुम, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तीन बॉन्ड तो ट्रायंगल में होंगे ऐसे। दो पेन और दीजिए। इतना ऊपर में हाथ उठा के कर, समझ लीजिए मोटा मोटा। इनको तो दिख रहा है, उनको नहीं दिख। तीन एक प्लेन में हो गए ट्रायंगल बनाते हुए 120, और दो एक ऊपर और एक नीचे की तरफ बॉन्ड हो रहा, तो इनके इनके बीच का एंगल 90 हो गया। तो दो बॉन्ड एंगल इसमें आ जाएंगे, एक 120 का और एक जिसका जो है वो ले लीजिए। कैसे बनेगा बॉन्ड, ऐसी दिखेगी ज्योमेट्री। तीन बॉन्ड ऐसे, एक ऊपर और एक नीचे, इसी ज्योमेट्री पे बना देते हैं ऑर्बिटल। बना लो जल्दी से शैतान बच्चों। हाँ? क्या गोलू, छोटा गोलू ऐसे बनाना है, जो ऑर्बिटल जहां पे बना रहे हैं उसके सामने की तरफ ये छोटा पार्ट। फिर से बना दूं ये कह रहे हैं। अभी आ रहा है, सॉरी। बॉन्ड एंगल दो होंगे,
एक 120 डिग्री का होगा, एक 90। ये वाला तो 120 है और ये वाला 90 है। इसमें 90 दिख नहीं रहा है पर समझ रहे हैं ना, नीचे की तरफ बॉन्ड है तो किसी भी बॉन्ड से, प्लेन वाले बॉन्ड से 90। आ रही है समझ में बात? अब आप बना के दिखाएंगे। हाँ, तीन बॉन्ड 120 पे, एक ऊपर और एक नीचे, अब बना के दिखाएंगे आप लोग क्या? दोनों बना लो चलेगा, बात समझ में आनी चाहिए। ट्रायंगल बनाते हैं। अच्छा तो अच्छा सा ट्रायंगल फाड़ो, ये ट्रायंगल फाड़ दो जो मैंने बनाया है। ये वाला ट्रायंगल फाड़ दो, हो गया। एग्जांपल लिखे, PCl5 है, PCl5 का स्ट्रक्चर बनाते हैं। अनुज इसका एग्जाम्पल है PCl5, एग्जाम्पल है PCl5। फॉस्फोरस का बनाइए जरा, एक है 3P और एक D को मिक्स कराइए, मिक्सिंग दिखाइए जैसे मैंने दिखाई। ऐसा है मॉलिक्यूल, ऐसा दिखेगा, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, एक ऊपर एक नीचे। कॉपी में बनाइए, फॉस्फोरस में कैसे ग्राउंड स्टेट है, कैसे एक्साइटेड स्टेट है, दिखाना है रफ में, फेयर में नहीं। गलत होगा तो फिर काटेगा कौन? जल्दी बनाइए, सब लोग बनाएंगे ऑनलाइन ऑफलाइन सब। अपना बनाओ, फॉस्फोरस बनाओ, फॉस्फोरस बनाओ, बताओ नहीं। जिनके घर शीशे के हो वो दूसरे के घरों पे पत्थर नहीं मारते हैं, मालूम है ना? तो अपना देखो पहले क्या हम बता रहे हैं, हम बता रहे हैं कितने दिन हो गए एटॉमिक स्ट्रक्चर खत्म हुए, अब एक कॉन्फ़िगरेशन नहीं हो। 3P आएगा 3s2 के बाद, आवाज नहीं। इसकी हेल्प लेके करेंगे 3D0, डी को भी मिक्स करना है ना। आउटर शेल ही तो पार्टिसिपेट करेगी, मैं बता रही हूँ, तुम लोगों का डब्बा गोल हो गया एकदम। अभी बोल रहे थे बहुत बुद्धिमान हो, अभी पता चल गया। तो 2-4 साल थोड़ी लगेंगे, बात आएगी जो आ जाएगी, नहीं आएगी तो फिर नहीं आएगी। ये 3s का स्टेटस है, ये 3p का है, ये 3d का है ना। ग्राउंड स्टेट थी, फास्फोरस को 5 बॉन्ड बनाने हैं, 5 Cl के साथ,
पांच सिंगल इलेक्ट्रॉन वाला चाहिए, किस में आ जाएगा? एक्साइटेड स्टेट में। चलो भाई, अब पांच में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है, मिक्सिंग हो जाएगी पांचों की, इनकी क्या हो जाएगी? मिक्सिंग, जिसको हम क्या कहते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। मिक्सिंग को ही हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, ये नहीं बोलने लगे वहां मिक्सिंग मिक्सिंग बोल रहे हैं, कोई पूछ ले हाइब्रिडाइजेशन, पता नहीं मिक्सिंग हो रही है। पांच नए बन जाएंगे, नाम क्या होगा? sp3d। ज्योमेट्री बताई दी है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और बना देते हैं स्ट्रक्चर, बना दें सीधे PCl5 का ही बना दें। फॉस्फोरस बना दिया, sp3d, 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 है ना? ओवरलैपिंग दिखा दें, गार्गी ध्यान कहाँ है? ये पी थोड़े अच्छे नहीं बन रहे हैं, आप अच्छे बनाए, हमें अलाउड है, आपको अलाउड नहीं है? हाँ Cl में भी 3p आएगा, है ना? Cl का कौन सा ऑर्बिटल होगा? थर्ड पीरियड का एलिमेंट है ना, बन गया PCl5। ये वाला एंगल 120 दिखा दीजिए और ये वाला एंगल 90 दिखा दीजिए। खेल खत्म, पैसा। टाइम देखते हैं फिर उसके अकॉर्डिंग, 50 होगा। अब अगली क्लास में दो बचे हुए कराएंगे और फिर नई नई और चीजें, फिर हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीखेंगे। नोट कर लीजिए, आज की क्लास हो गई आपकी, आज की ऑफ कर देते हैं, फिर अगली क्लास में दो और।